हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिनी ऑनलाइन एजुकेशन। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है वो बना था या फिर फॉर्म हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। फ्रेंड्स, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था या फिर शुरू किया था ड्यूप्लेक्स ने, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर था। ड्यूप्लेक्स ने अपनी आर्मी इंडियन रूलर्स को रेंट पर देकर ये सिस्टम स्टार्ट किया था। लेकिन ये सिस्टम डेवलप तब हुआ जब लॉर्ड वेलेस्ले ने इसमें कुछ चेंजेस किए, इसलिए इस सिस्टम का क्रेडिट जाता है लॉर्ड वेलेस्ले को, जो कि इंडिया का गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स, इस सिस्टम के अंडर होता क्या था कि कंपनी जो है इंडियन रूलर्स को कहती थी कि अगर वो ट्रीटी साइन करना चाहते हैं उनके साथ, अगर वो उनकी आर्मी, कंपनी की आर्मी चाहते हैं कि इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्ट करे, तो उन्हें अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट कंपनी को देना होगा। तो इंडियन रूलर्स अगर ये ट्रीटी साइन करना चाहते थे तो उन्हें अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट कंपनी को देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। ये सिस्टम ड्यूप्लेक्स ने स्टार्ट किया और लॉर्ड वेलेस्ले ने इसमें कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से इस सिस्टम का क्रेडिट लॉर्ड वेलेस्ले को जाता है। सो फ्रेंड्स, इस सिस्टम के अंडर होता क्या था कि कंपनी के जो सोल्जर्स होते थे वो इंडियन रूलर्स को या फिर इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करते थे आउटसाइड अटैक से, और इंडियन रूलर्स को इसके लिए उन्हें एनुअल फीस पे करना पड़ता था। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का बैकग्राउंड समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के फीचर्स देख लेते हैं। तो इस सिस्टम का पहला फीचर है कि कंपनी ने इंडियन स्टेट्स को ये प्रॉमिस किया था कि वो इंडियन स्टेट्स को आउटसाइड अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब कि कंपनी के जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन स्टेट्स को आउटसाइड अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसका दूसरा फीचर ये था कि इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश फोर्स के सारे एक्सपेंसेस उठाने पड़ते थे। मतलब कि जो कंपनी के जो सोल्जर्स थे, जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए थे, उनके जितने भी खर्चे थे वो इंडियन रूलर्स को उठाने पड़ते थे। फ्रेंड्स, इसका तीसरा फीचर ये है कि रूलर्स जो हैं, इंडियन रूलर्स, वो किसी भी फॉरेनर को अपनी स्टेट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे, अपने स्टेट में उन्हें नौकरी पर नहीं रख सकते थे जब तक कि वो कंपनी की परमिशन ना ले लें। फ्रेंड्स, इसका चौथा फीचर ये है कि कंपनी जो है स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको फीचर समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं कि इस सिस्टम के, मतलब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या थे कंपनी के लिए, मतलब कंपनी को इसके एडवांटेजेस क्या मिले। फ्रेंड्स, इसका पहला, कंपनी के लिए इसका पहला एडवांटेज ये था कि कंपनी ने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर ली, क्योंकि जो कंपनी के सोल्जर्स जो इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करते थे और इंडियन रूलर्स को उनके लिए पे करना पड़ता था, तो कंपनी के पास बहुत सारे पैसे आ गए, जिससे कंपनी ने एक बहुत बड़ी आर्मी जो है क्रिएट कर ली। फ्रेंड्स, इसका दूसरा एडवांटेज ये था कंपनी को कि कंपनी को यूरोपियंस और फ्रेंच से जो थ्रेट था वो कम हो गया। मतलब यूरोपियंस और फ्रेंच से जो डर था, जो अटैक का डर था उन्हें, वो कम हो गया, क्योंकि इंडियन रूलर्स जो हैं किसी भी फॉरेनर को अपने स्टेट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे, किसी भी फॉरेनर को अपने स्टेट में नौकरी नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें, कंपनी को यूरोपियंस और फ्रेंच का कोई थ्रेट नहीं था। फ्रेंड्स, तीसरा एडवांटेज ये था कंपनी के लिए कि नवाब जो इंडियन रूलर्स जो हैं वो, जो ये ट्रीटी साइन करते थे, वो कंपनी के पपेट्स बन चुके थे। मतलब उन्हें बहुत सारे इश्यूज पे या फिर बहुत सारे मैटर्स पे कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।